वेरी सुन पल्सर RS 2022 मॉडल इज गोइंग टू लॉन्च। बहुत जल्द आप सभी की ऑल न्यू पल्सर RS 200 की एक बहुत ही शानदार मॉडल आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो क्या कुछ बड़े अपडेट्स लेके आ रही है कि बहुत लोग जानना चाह रहे हैं क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा क्या कुछ इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग पड़ेगी, कब तक ये गाड़ी आपको लॉन्च होते हुए मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी को हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगर आप सभी की ऑल न्यू RS के बारे में, तो आपको हम बता दें कंपनी आपको बहुत ही बेहतर और शानदार अपडेट इस गाड़ी में प्रोवाइड करने वाली है। जो पहला और सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के ऑल न्यू स्टिकर्स और इस गाड़ी में कंपनी ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने वाली है। कंपनी आपको यहाँ पे एक मैट की बहुत ही बेहतर आपको फिनिशिंग ओवरऑल प्रोवाइड करेगी। कहीं ना कहीं जो आपको मैट रहने वाला ओवरऑल जिस गाड़ी की लुक रहेगी उसको और बेहतर तरीके से निकालने वाला है। तो ओवरऑल इस गाड़ी की कंपनी लुक वाइज बड़े अपडेट्स करने वाली है। लुक वाइज कलर कॉम्बिनेशन वाइज कंपनी एक बड़ा चेंज ले जाएगी, जहाँ की ओवरऑल जो गाड़ी की लुक निकल के आएगी वो आपको बहुत ही बेहतर निकल के रहने वाली है। तो एक आपको ये बड़ा अपडेट जो मिलेगा इस गाड़ी के लुक वाइज मिलेगा, कंपनी कहीं ना कहीं इस गाड़ी के जो लुक को चेंजेस करने वाली और आपको बहुत ही शानदार लुक प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर लें और कंपनी क्या कुछ करने वाली है, तो आपको इसके मीटर कंसोल में आपको थोड़े बहुत चेंजेस हो तो बिल्कुल मिल जाएंगे। देयर इज चांस कि कंपनी आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर कर दे। कहीं ना कहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं और जो भी हायर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं कंपनी को बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बजाज इसे भी चीज़ों मार खा जा रहा है। बजाज को बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आज की डेट में बहुत बड़ा मेन फीचर निकल के आ रहा है, जो कि दूसरी कंपनियां बिल्कुल इसे फोकस की हुई हैं और बजाज थोड़ा बहुत पीछे रह जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से फीचर्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, जहाँ कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर पाएंगे, साइड बाय साइड गूगल नेविगेशन मैप का सपोर्ट ले पाएंगे और आप अच्छे खासे फीचर्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कहीं हद तक एक बहुत ही ओवरऑल शानदार बात रहने वाली है। तो कंपनी आपको यहाँ पर ओवरऑल मीटर कंसोल डिजिटल प्रोवाइड करेगी और उसके साथ ही आपको वहाँ पर एडवांस फीचर्स प्रोवाइड कर सकती है। फ्रंट से आपको एक बड़ा चेंज होता हुआ मिल सकता है, आपको फ्रंट से कंपनी USD फोक्स प्रोवाइड कर सकती है। कहीं ना कहीं USD फोक्स भी आज की डेट में अच्छी खासी डिमांडिंग चीज़ बन चुकी है, जो कि दूसरी कंपनियां यहाँ पे बिल्कुल फोकस कर रही है। USD फोक्स नहीं तो फ्रंट में जो आपको सस्पेंशन रहता है उस पर कंपनी आपको गोल्ड कलरिंग बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है, ताकि इस गाड़ी जो ओवरऑल लुक निकल के आए वो और बेहतर निकल के आए और शानदार गाड़ी निकल के दिखे। बाकी अगर बात करेंगे तो कंपनी आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प सेटअप के साथ बिल्कुल जा सकती है। आपको फ्रंट में और शानदार LED कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। कहीं ना कहीं आपको इसके हेडलैम्प जो सेटअप है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हुए मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं कंपनी बिल्कुल चाहेगी कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल लुक रहने वाली है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी वो भी शानदार है। बाकी अगर बात करेंगे तो थोड़े बहुत पावर फिगर्स यहाँ इंक्रीज़ होते हुए बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत ही शानदार ओवरऑल पेशकश देखने को मिल जाती है आपको बजाज कंपनी तरफ से। ओवरऑल इस गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर है, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ओवरऑल निकल के नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी इसके जो ओवरऑल थोड़ा बहुत पावर फिगर्स है उसको बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकती है, ताकि अगर बात करेंगे तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो और बेहतर निकल गया। करेंटली कंपनी आपको इसमें 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन प्रोवाइड करती है, जहाँ की आपको 24.5 PS की पावर 18.7 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरऑल आप बात करेंगे तो थोड़ा बहुत कंपनी चेंजेस बिल्कुल कर सकती है और आपको यहाँ पे और बेटर पावर फिगर्स लगभग 26 PS के आसपास की पावर 20 Nm के आसपास का टॉर्क कंपनी बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पावर फिगर्स वाइज चेंजेस मिल सकते हैं। 6-speed gearbox सिस्टम देखने को मिल जाता है। ओवरऑल आपको 30 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। आपको लगभग 300 mm की सिंगल चैनल ABS वाली डिस्क फ्रंट में और बैक में आपको ABS वाली डिस्क देखने को मिल जाती है, जहाँ की आपको ओवरऑल डुअल चैनल ABS का यहाँ पे भरोसा बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। इस गाड़ी की बात करें तो आपको प्राइसिंग में थोड़ी बहुत इंक्रीजेस हो मिल जाएगी, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आप इस गाड़ी की प्राइसिंग में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये गाड़ी आपको महंगी हो जाएगी। तो अगर करेंटली हम इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात कर लें तो ये गाड़ी आपको इजीली लगभग 2 lakh के आसपास ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गाड़ी जो ऑन रोड प्राइसिंग पड़ेगी लगभग 2 lakh 5 to 2 lakh 10 thousand के आसपास इस गाड़ी की न्यू ऑन रोड प्राइसिंग पड़ जाएगी। तो ये कुछ ओवरऑल प्राइसिंग रहने वाली है आप सभी की ऑल न्यू पल्सर RS 200 BS6 2022 मॉडल के बारे में। बाकी आपको आने वाले एक महीने के अंदर ये गाड़ी आपको लॉन्च होते हुए मिल जाएगी, तो ओवरऑल आप बिल्कुल इस गाड़ी के लिए वेट कर सकते हैं और थोड़े बहुत कंपनी आपको बेटर चेंजेस और बेहतरीन फीचर्स लेके जरूर आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक जो करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी को हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि लेटेस्ट अपडेट हम डेली कवर कर रहे हैं बजाज पल्सर RS पे। थैंक यू।